हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली एक और क्वेट का वीजा हमें मिल चुका है। ये वीजा किस काम का है, कितना तारीख को इशू हुआ है, पूरा डिटेल्स में आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको भी कैसे वीजा मिलेगा ये भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो वीजा हमें मिला हुआ है, सबसे पहले आप लोग इसका इशू डेट देख लीजिए, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, मुझे एक वीजा मिला है। अभी लोग सोचेंगे वही वीजा है, इसलिए इशू डेट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका इशू डेट। तो गाइस, ये जो वीजा मिला है यह हमें एक दिन पहले मिला है ये वीजा। एंड ये वीजा कितना टाइम पे इशू हुआ है, कितना टाइम पे हमें मिला है, ये भी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वीजा किस काम का है। वीजा में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे ऑक्यूपेशन लिखा हुआ होता है, आपका किस काम का वीजा है वो वीजा में मेंशन किया हुआ रहता है कि इस काम का ये वीजा है, आप कुवैत में आके ये काम कर सकते हैं। तो इस वीजा का जो ऑक्यूपेशन है ये है वेटर, वेटर का वीजा है। ये जो वीजा निकला है ये वेटर का वीजा है। तो जो बंदा आएगा उसका वेटर का काम ही होगा कुवैत में। वीजा में ऑक्यूपेशन से लेके पूरा डिटेल सब कुछ रहता है, जैसे आपका नाम रहता है, रेफरेंस नंबर रहता है, नेशनलिटी रहता है, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करना जरूरी है। एंड वीजा मिलने के साथ ही साथ आपका जो नाम है, नाम का स्पेलिंग चेक करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है या नाम पे कोई मिस्टेक है तो आपको एयरपोर्ट में आने के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। जब आप चेक करेंगे कोई भी गलती है आप करेक्शन के लिए दीजिए, करेक्शन हो जाता है। इसलिए वीजा मिलने के साथ ही साथ ये चेक करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो गया है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला था, से 1-2 महीना पहले एक भाई को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, बस गलती था डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में गलती था, मंथ के जगह में डेट आ गया था या डेट के जगह में मंथ हो गया था, कुछ ऐसा ही मिस्टेक था छोटा सा। भाई ने सब कुछ कर लिया, मेडिकल वगैरह, स्टैंपिंग, एवरीथिंग हो गया, एयरपोर्ट में आ गया टिकट लेके, उसके बाद एयरपोर्ट से वापस रिटर्न भेज दिया गया कि वीजा को करेक्शन करके फिर लेके आओ। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। जब भी वीजा मिलेगा, जैसे हमें ये वीजा मिला है, हमने सबसे पहले क्या चेक किया है, इस वीजा में जो नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम एंड जिसका नाम, नाम रहता है, फादर का नाम रहता है, दोनों नाम हम लोग बराबर स्पेलिंग पासपोर्ट से मैच करके चेक किया। एंड ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ, जैसे पासपोर्ट में है ऐसा इस वीजा में है या नहीं है, ये हमने चेक किया है। अगर आपको कंपनी का नाम चेक करना है, किस कंपनी का वीजा निकला है, तो वीजा का एंड पे आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयर फैमिली, एम्प्लॉयर और फैमिली डिटेल्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं अरबिक में लिखा हुआ है। जब भी आपको वीजा मिलेगा नीचे अरबिक में लिखा होगा, आप लोग ट्रांसलेट यूज कीजिए, ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट यूज कीजिए करके आप लोग ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अभी रही बात ये वीजा हमें कितना दिन में मिला, तो वीजा में जैसे आप लोगों को बताया पहले वाला वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि वीजा इशू का क्या टाइमिंग है, कितना टाइम में वीजा इशू हो जाता है। आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियो चैनल पे है, जाके आप लोग देख सकते हैं क्यों टाइम लगता है, पूरा डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दिया है। तो ये वीजा भी जो भाई ने मुझे दिया था पासपोर्ट, जब अपना पासपोर्ट दिया था इस वीजा के लिए, तो कम से कम वो 4-5 दिन या 10 दिन तक वो वेट किया, उसके बाद ही ये वीजा मिला है। तो गाइस, वीजा निकालने के क्या प्रोसेस है, क्या टाइम लगता है, इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, आप लोग चैनल पे जाइए, बहुत तरह का वीडियो है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं, कुवैत रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ना जाने ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका काम के लिए भी आ जाए तो आप लोग उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।